आशियाने के लिए तरस रहा गांव का परिवार, प्रधान और विभाग नहीं ले रहा है कोई सुध। जानिए क्या है पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को पक्का घर देने के वादे को साकार करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को आवास दिए जा रहे हैं। इसके विपरीत बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद के ग्राम गुलाल बाली उर्फ सीताबाली में संजय का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, लेकिन पूर्व प्रधान की कार्यशैली के कारण संजय के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिल सका, जिससे संजय का परिवार छप्पर में किसी तरह अपना भरण पोषण करने पर मजबूर है। इसकी वजह अधिकारियों की अनदेखी बताई जा रही है। परिवार ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि उनको भी छत का आसरा मिल जाए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद बिजनौर से विजेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी, नाम क्या आपका? संजय। अच्छा, गांव का नाम क्या आपके? गुलाल वाली उर्फ सीता वाली। अच्छा, और बिनवा कौन सा लगता? और तहसील? तहसील नजीबाबाद। और जिला? जिला बिजनौर। अच्छा, तो पहले आपने अप्लाई करा था मकान के लिए? मकान के लिए कई बार अप्लाई करा, लेकिन नाम नहीं आया। नाम नहीं दर्ज होता। ग्राम प्रधान कौन है आपके? ग्राम प्रधान राकेश कुमार। राकेश कुमार नाम है। तो उन्होंने जो पूर्व प्रधान से उनसे शिकायत करी थी आपने मकान के संबंध में? उनसे पहले बोला, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। नाम नहीं आ पाया। अच्छा जी, और बरसात में तो काफी समस्या उत्पन्न होती है। जी जी, छप्पर में सारी समस्या ही। प्रवेश प्रारंभ। सम्राट बॉक्सिंग सेंटर टेवा कॉलोनी गेट के सामने फाजलपुर रेलवे फाटक गजरौला जनपद अमरोहा। कॉन्टैक्ट नंबर 9927151730। जल्द ही संपर्क करें। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।